पूर्णिया पुलिस ने फर्जी लूटकांड का सफल उद्भेदन करते हुए दो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल मामला यह है कि 10 नवंबर 2020 को के नगर थाना में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी द्वारा लूटकांड का आवेदन देते हुए कहा गया था कि गोकुलपुर नहर के समीप मोटरसाइकिल सवार दो अपराधियों द्वारा बैग में भरे 1,24,000 रुपए की लूट कर ली गई है, जिसके बाद पुलिस द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई और वैज्ञानिक अनुसंधान करते हुए फर्जी लूटकांड का सफल उद्भेदन करते हुए फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी विश्वजीत कुमार को उसके घर से पकड़ा गया एवं उसने अपराध कबूल करते हुए वादी को ही षड्यंत्रकारी बताया, जिसके पास से पुलिस ने लूटे हुए 20,500 रुपये, लूटकांड में शामिल बाइक साथ ही मोबाइल बरामद किया है। पूर्णिया SP दयाशंकर ने इस पूरी घटना की जानकारी मीडिया को दी एवं इस तरह के आपराधिक मामलों से बचने के लिए फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों को नसीहत भी दी। दिनांक 9/11/2020 को के नगर थाना अंतर्गत एक लूट का कांड दर्ज हुआ था, जो कांड संख्या 352/20 है। इस कांड में जो वादी थे रमेश कुमार, इनके द्वारा बताया गया कि इनसे रुपए का भरा बैग 1,24,000 और मोबाइल फ़ोन एक अज्ञात लोगों के द्वारा लूट लिया गया है। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में, सदर के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी और टीम के द्वारा जब इसको लीड डेवलप किया गया तो हम लोग को जो जानकारी मिली उसके हिसाब से हम लोगों ने इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जो वादी है, वादी के द्वारा अपने मित्र को इसमें संलिप्त किया गया इस घटना करने के लिए, और वादी ने ही मित्र के साथ मिलकर इस लूट के घटना को अंजाम दिया गया। घटना के एक महीने के बाद वो जो मोबाइल है जो लूटा गया था वादी से, वो मोबाइल दोस्त के पास से इनके बरामद हुआ और दोस्त को जब हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो दोनों मोबाइल प्लस लूटे गए रुपए में से 20,500 रुपए और जो बैग जो है जो लूटा गया था, जो इनके द्वारा लिखवाया गया था, वो भी बरामद किया गया। तो इसमें वादी के द्वारा षड्यंत्र किया गया था और लूट की एक साजिश रची गई थी जिससे 1,24,000 रुपए अपने इस्तेमाल के लिए उपयोग कर पाए। तो अभी इस घटना में वादी और अब उनके मित्र दोनों को ही अभियुक्त बना के हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। वादी क्या करते थे सर? वादी ये फाइनेंसर जो CSP संचालक हैं उसमें ये काम करते थे, माइक्रो फाइनेंसर कंपनी के साथ ये काम करते थे। इनकी गिरफ्तारी इनके घर से हुई है, जो वादी अभियुक्त है रमेश कुमार और विश्वजीत, उनके घर से ही गिरफ्तारी हुई है। सदर मुफस्सिल थाना अंतर्गत इनका घर हुआ साकिन चांदी कटवा थी, जिसके इस्तेमाल करके इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, वो मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है।